झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने के बावजूद छात्र छात्रा अगर अपने नंबर से खुश नहीं है तो उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं जो छात्र छात्रा परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं उनके लिए अलग से कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी। जैक इसकी तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद जैक की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइन में इसके प्रावधान किए जा रहे हैं। 9वीं के आधार पर मैट्रिक और 11वीं के आधार पर इंटर का रिजल्ट तैयार होना है। 9वीं और 11वीं में अगर छात्र छात्राओं को कम अंक आए तो मैट्रिक और इंटर में भी उसी आधार पर अंक रहेंगे। ऐसे में रिजल्ट के बाद अगर वो अपने अंक से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो लिखित परीक्षा दे सकते हैं। रिजल्ट बेहतर करने के लिए छात्र छात्राओं की अलग से परीक्षा ली जाएगी। CBSE ने भी 10वीं के आने वाले परिणाम से अगर छात्र छात्रा खुश नहीं है तो उनके लिए परीक्षा लेने की बात कही है। वहीं जैक की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने पर जो छात्र छात्रा सफल नहीं हो पाते हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिन एक दो विषयों में वो पास नहीं हो सकते थे उसकी वे परीक्षा दे सकेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पुराने परीक्षार्थियों के लिए फिलहाल आधार तय नहीं किया गया है। जैक की कमेटी इसे भी तय करेगी। जो छात्र छात्रा 2020 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षा और कंपार्टमेंटल दोनों में असफल हो गए थे और 2021 की परीक्षा के लिए आवेदन किया था उनका रिजल्ट किस आधार पर तय होगा, जैक को इसका फॉर्मूला निकालना होगा। क्या उनका भी रिजल्ट 9वीं और 11वीं के आधार पर तय होगा, इस पर भी निर्णय लेना होगा। मैट्रिक में इस साल करीब 19,000 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो पिछले साल पास नहीं कर सके थे। वहीं इंटरमीडिएट में ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या 17,000 के करीब है।